प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए हमीरपुर जिला के बड़सर में कौशल विकास योजना सेंटर के द्वारा बेहतर काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में कौशल विकास योजना सेंटर में प्रशिक्षण ले रहे युवाओं को कोर्स पूरा करने पर प्रमाण पत्र बांटे गए। प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता मिशन के तहत करीब 300 युवाओं ने कंप्यूटर की बारीकियों के अलावा सरकारी स्कीमों को कंप्यूटर के माध्यम से प्राप्त करने की जानकारी मुहैया करवाई गई। कौशल विकास योजना सेंटर के प्रबंधक बीरेंद्र के अनुसार अब तक 250 युवाओं को सर्टिफिकेट बांटे जा चुके हैं और बाकी की कक्षाएं चल रही हैं। वहीं डिजिटल प्रमाण पत्र मिलने पर युवाओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। कौशल विकास सेंटर के प्रबंधक बीरेंद्र ने बताया कि प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता मिशन के तहत 300 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी कंप्यूटर के माध्यम से दी जा रही है, जिनका भविष्य में युवाओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि डिजिटल लेन देन के साथ युवाओं को ग्रामीण स्तर पर मिलने वाली योजनाओं के लाभ की जानकारी भी दी गई। इसमें सर जो हमने सेवाएं दी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संचालित ग्रामीण डिजिटल लिटरेसी मिशन के अंदर जो अब हमने ये सेवाएं दी हैं, इसमें हमने स्टूडेंट्स को और रूट लेवल के जितने भी लोग हैं उनको जो डिजिटल और डिजिटल के बारे में वो गाइड किया, ताकि कंप्यूटर के थ्रू जो है वो गवर्नमेंट की सेवाएं किस तरीके से ले सकते हैं और डिजी लॉकर वगैरह की फैसिलिटी के बारे में, जी मेल की फैसिलिटी के बारे में और भी सरकारी सेवाएं जितनी भी दी जा रही हैं प्रधानमंत्री जी द्वारा, तो उन सारी सेवाओं को कंप्यूटर के थ्रू किस तरीके से अडॉप्ट किया जा सकता है उसके बारे में जो है हमने जानकारी अलग अलग जगह के ऊपर जो है रूरल एरिया के बीच में जाके दी। सर कितने बच्चों को आपने इस स्कीम के तहत एजुकेट किया? इसमें जो हमें दिया गया था वो तकरीबन 300 के करीब करीब था, तो इसमें हमने अपना टारगेट जो है वो लगभग कंप्लीट कर ही लिया है और उसमें 220 के करीब हमारे जो सर्टिफाइड कैंडिडेट जो वो हो चुके हैं और बाकी जो है उनका चला ही अभी। इससे आने वाले समय में बच्चों को क्या लाभ मिलेगा? इससे बेसिक लेवल की जानकारी और कंप्यूटर को किस तरीके से ऑपरेट किया जाएगा, ताकि वो घर बैठे बैठे सरकारी सुविधाएं किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और घर बैठे ही अपनी नेट बैंकिंग के थ्रू अपने डिजिटल ट्रांजेक्शन वगैरह कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसी के थ्रू जो है वो दी जा रही कॉमन सर्विस सेंटर, जिनके थ्रू CSC अकेडमी जो है वो एफिलिएट की गई है। CSC अकेडमी के माध्यम से ये सेवाएं दी जा रही ग्रामीण के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संचालित प्रोजेक्ट ग्रामीण डिजिटल लिटरेसी मिशन EMG दिशा करके ये प्रोजेक्ट रहेगा, प्रोजेक्ट है। इसके थ्रू जो है ये सेवाएं दी जा रही, जिसमें हमने जानकारी गाँव के हर क्षेत्र में दी, अपने लोकल एरिया के बीच में दी, जिसमें डिजिटल ट्रांजेक्शन सरकार की सुविधाओं के बारे में जो अवगत कराया गया। वहीं डिजिटल साक्षरता मिशन के तहत प्रमाण पत्र मिलने पर युवाओं ने खुशी जाहिर की और कहा कि डिजिटल साक्षरता मिशन के तहत बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है, इनका प्रयोग कर घर से कई योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने मिशन के तहत युवाओं को जागरूक करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया है। इसके दौरान हमें डिजी लॉकर के बारे में बताया गया, जिसमें कि हमें ये बताया गया कि हम कैसे इसका यूज कर सकते हैं और इसके अंतर्गत हमें बाकी ट्रांजेक्शन और प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी हमें सुविधाएं दी जाती हैं उसके बारे में बताया गया और इसके चलते हम घर में रह के ट्रांजेक्शन और कोई भी जानकारी लेनी हो, जैसे कि गवर्नमेंट साइट से, तो हम उसके बारे में ले सकते हैं और इसके माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई तथा इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार जताना चाहती हूँ। धन्यवाद। सर इसमें से हमें डिजी लॉकर के बारे में बताया गया और जो जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनके बारे में अवगत कराया गया कि कैसे जो हम आगे आने जो उसमें है उसमें हम यूज करेंगे, तो इस तरह की जानकारी जो है हमें इस योजना के तहत मिली है। तो इसका आने वाले समय में क्या लाभ मिलेगा? इसमें इसका जो सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, जैसे ग्रामीण जो क्षेत्र है उसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा डिजिटल जो सुविधाएं जो है वो उसके बारे में प्रदान की जाएंगी, उनके बारे में बताया जाएगा, तो इस तरह जो है वो इस जो ये डिजिटल जो साक्षरता अभियान है इसके जो जैसे बारे में हमें बताया गया।
उसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे पास, जैसे पहले हमारे पास ये रहता था कि जैसे हम बैंक में जाते तो वहाँ लाइन में खड़ा होना पड़ता था, और इस जो हमारे पीएमजी दिशा वाली योजना प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट की है उसके दौरान हमने ये सीखा कि हम घर बैठे डिजिटल का यूज कर सकते हैं और हमें लाइन में खड़ा होना नहीं पड़ेगा। जैसे बैंक में खड़ा होना पड़ता था, हमें बैंक में लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमें इसमें बहुत सारी ऐसी सुविधाएं मिली जिनमें हम ग्रामीण या अपने गांव में बैठकर इसका यूज कर सकते हैं। इसके लिए क्या आप प्रधानमंत्री जी का आभार? हाँ जी, और लास्ट में मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार चाहती हूँ जी। अंत में मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ।